श्रीगुरुभ्यो सुकंठे सोहा चिद्युसंघम हिमालयुद्धां विशालकंदम सुपेक्षणी जायलसुठुमज्जम तं गुमटीसं फणिमामिणिच्छम् णुमोरहं दाणं णुमो सिद्धाणं णुमो वायरीयाणं णुमो जयाणं णुमो लोई सवसाहुणं जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी नरक में होगी खूब पेटाई निंदा करने वालों की नरकों में होगी खूब पिटाई निंदा करने वालों की कर लो सगी निंदा गरहा कर लो सगी निंदा गरहा जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी रूठ गुरु रूठे गुरु तो समझना ज्ञानी किस्मत तुम्हारी रूठ गई रूठे गुरु तो समझना ज्ञानी किस्मत तुम्हारी रूठ गई लौट के वापस ना आएगी लौट के वापस ना आएगी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की 1008 पदम प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवन कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,09,00,000 महामुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु शासन जयवंत नमोस्तु शासन नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर।
वो बंधु जगत में ज्ञान श्रेष्ठ होता है इसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन उस ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यदि ज्ञान में अहंकार आ गया तो समझना पद जाने में देर नहीं लगेगी। जिस पद के साथ में आप हो उसका अहंकार नहीं करना, अन्यथा पद चला जाएगा। बढ़ जाते जी, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। आपसे किसी ने कहा कि हमारे मकान का नक्शा देख लीजिए और आपने उसे विपरीत बतला दिया, फिर उसकी स्थिति बिगड़ गई, तो ये मानना जरूर ज्ञान का दुरुपयोग तो किया ही, और साथ में उसकी जब हाय लगेगी किसकी, जिसके लिए आपने गलत बताया है, तो आपका ज्ञान तो नष्ट हो ही जाएगा, साथ में भविष्य में आपके लिए भी दुख होगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है 8 प्रकार के मत बतलाए हैं, कौन कौन से? ज्ञान पूजा कुलम जाति बल मध्यम तपो वपु अष्टावासित्व मानित्वम स्मर माहुर गतस्मया। जब जीव ज्ञान के मद में डूब जाता है तो वह नहीं देखता किसको, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कुछ नहीं देखता। और अहंकार में व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, न पूज्य दिखेगा न अपूज्य। मंदिर में भी आए तो क्या समझ रहा है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारी समाज में बहुत पहुंच है, तो वृद्ध व्यक्ति को भी हाथ से झटका मार देता है। किसके कारण? केवल अहम है कि मैं सर्वस्व हूं, इस मंदिर का मैं भट्टारक हूं। क्यों भाई, होता कि नहीं दोनों भाई? कभी ऐसा विचार नहीं लाना कि हम सबसे पहले मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले कलसा हम ही करेंगे। अपने ज्ञान को सुरक्षित रखो, क्योंकि मंदिर में आप अगर कहते हो मैं ही हूं, तो मैं कौन करता है? कौन करता है मोहित? मैं कौन करता है? मंदिर में आकर के तुमने भी मैं की तो बकरी ही बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा भैया। तो इस मैं को थोड़ा दूर रखो, जो तुम्हें स्वयं के पास पहुंचाने वाले हैं उनके सामने तुम मैं करोगे तो क्या होगा नरेन जी, क्या होगा? गति नीचे ही मिलेगी। जो तुम्हें उच्च पद पर पहुंचाने वाले थे तुम वहां पर अहंकार करके क्या कर बैठे। और यहां तक कि इतना ही नहीं, ज्ञान की मद में जीव जब आता है उसे पूज्य लोगों के प्रति अनुराग नहीं होता, अपितु ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और ईर्ष्या उत्पन्न होते ही क्या करता है जीव, उन जीवों की निंदा प्रारंभ करता है कि इनके चारित्र में दूषण है, इनके ज्ञान में दूषण है, इनका चारित्र ठीक नहीं है। ऐसी बातें उसके मुख से उच्चरित होने लगती हैं। केवल किस कारण से? ज्ञान का अहंकार है। लेकिन उनसे मेरा कहना है, जो ज्ञान के मद में डूब रहे हैं उनसे एक बात और पूछ लेना, भाई तुम्हारा ज्ञान छयोस्मिक ज्ञान है, उन केवली भगवंतों से मिलो, उन गर्धर परमेष्ठियों से मिलो जिन्हें दास संघ का पूरा ज्ञान है, उन मनपरे ज्ञानी साधुओं से मिलो, उन अवधि ज्ञानी साधुओं से मिलो जिनका ज्ञान श्रेष्ठ है। ये छयोस्मिक ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो छाये ज्ञानी है उनके ज्ञान के आगे आपका ज्ञान कुछ भी नहीं लगता है। क्या बढ़िया अत्या जी, भोजन बनाना जानते हो?
भोजन बनाने का ज्ञान तो है नहीं, केवल एक ही विषय के विशेषज्ञ बन गए तो क्या पूर्ण ज्ञानी हो गए? हो गए क्या? फिर इसका मत करना कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अरे तुमसे जैसे लोग बहुत हैं दुनिया में जो सब कुछ जानते हैं। भोजन बनाना नहीं बनता ना, तो उससे तो अज्ञानी हो। तो इसको देख करके अपने अहंकार को दूर करना कि मुझे अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ ज्ञानधारी भी हैं दुनिया में। लोगों ने क्या किया, केवल ईर्ष्या बस, किसी की पूजा आराधना ज्यादा हो रही है तो लोग उनकी निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। किस वजह से? केवल उनकी पूछ नहीं हो रही है या कोई व्यक्ति इनके पास जाता है तो उनके बारे में विपरीत कथन करके उससे दूर करना चाहते हैं। प्रसून भाई, होता कि नहीं ऐसा? माना कि आप यहाँ आते हो और कोई साधु के पास आप जाओ, क्या किसी त्यागीपति के पास जाओ तो आपके लिए उनको पता है कि ये इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब देखना उनका ज्ञान का दुरुपयोग। वे चाहते तो अपना बना सकते थे आपको अपना, उनकी तारीफ करके कि यार इनके साधु तो बहुत ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं, ऐसा बोल करके उनको अपना बना सकते थे, लेकिन विपरीत कथन करते हैं। क्यों ऐसा होता है? लौ जलते हुए देखी, दीपक जब अंत समय में आता है तो बहुत तेज चलता है, चलता ना? इसका मतलब वो अब बुझने वाला है। ऐसी जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, अहंकार से युक्त हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए आपकी अंतिम लौ है या बुझने वाले हो। इसलिए अहंकार में नहीं आना। क्या कहना? यदि अपना बनाना चाहते हो, जो व्यक्ति जिससे जुड़ा हो उसकी तारीफ करना, जुड़े हो किसी से तो उसकी निंदा करने मत पहुंच जाना, अन्यथा उनसे भी टूट जाओगे। विचार करना है अहंकार में क्या क्या नहीं कर लिया लोगों ने। ज्ञान का छवसम बहुत कम है भाई, काल भी बहुत छोटा है। कितना ज्ञान मिला है बोलो, कितना ज्ञान मिला है सुबेन भाई, कितना? जिनवाणी अगाध है, अगाध, उसमें बोले तो एक बूंद भी नहीं मिली। बूंद तो बहुत हो गई, एक बूंद भी नहीं है तुम्हारे पास, और उसमें ही अहंकार, वो बूंद भी नष्ट हो जाएगी। कब? जब अहंकार जीवन में आ जाएगा। आप सभी इस ज्ञान को संभाल के रखो, क्योंकि ज्ञान ही है एक ऐसा जो आपको विपरीत मार्ग पर भी ले जाता है, और ज्ञान ही है जो सद मार्ग पर ले जाता है। अभी चाहते प्रसून भाई तो सुबह सुबह आए थे, भगवान का अभिषेक कर सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं किया। क्यों? ज्ञान का दुरुपयोग किया कि यार केवल गुरु के चरणों में बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक भी कर सकते थे, लेकिन ज्ञान काम नहीं करा। हम नहाकर आते, स्नान करके आते तो अभिषेक भी मिल जाता, शुद्ध वस्त्र पहन लेते तो अभिषेक भी मिल जाता, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? उस विषय में छयोसम ही नहीं गया कि ऐसा भी कर सकता था। बढ़ जाता जी अभिषेक किया, नहीं करते, कब से नहीं किया? करते थे कि करते हो, बात इतनी है, करते कब हो, कब किया, कल कहां पर किया, तो भोजन कब किया, रोज करते कि नहीं बोलो, भोजन रोज करते कि नहीं? जिस क्रिया को हमें रोज करना चाहिए उसे आप कभी कभी करते हो। सूत्र आपने बदल दिए, स्वयं ने जिनवाणी में लिखा है दान पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपा, और आगे बोलो, आपसे पूछना चाहते हैं
क्या बोल रहे हो? वो रोज करने के है ना, कि कदा कदा सट कर्माणी दिने दिने, आप बोल रहे हो करते नहीं हो, जिनवाणी में लिखा है आपने बदल दिया, कब कदा कदा बोलो नहीं करते क्या? तो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे कि नहीं? जहां ज्ञान जाना चाहिए सुबह से उठकर भगवान के चरणों में आना चाहिए, लेकिन कहां रहते हैं? गद्दों में सोते हैं। बैठती चाहिए, बैठती चाहिए। कौन सी बैठती? इसमें इसमें क्या है? बैठ मतलब सोने वाला बैठ नहीं, बैठती मतलब अच्छी है ही नहीं, वो पीने लायक ही नहीं है, वो बैठती है। तो ऐसे हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुबह उठ करके क्या किया? बढ़िया थी, नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया, गुरु से पहले ही सब पेट भर चुके हैं, लेकिन आगम इसका निषेध कर रहा है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। बढ़ जाते करोगे कल से? अब सीख रोज करोगे? हाँ नहीं करोगे? कदा कदा है ना, कदा कदा नहीं। ज्ञान का दुरुपयोग है निश्चित मानना, ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा है, नहीं है दुरुपयोग तो है ही। जब हमारी क्रिया सुबह से उठकर जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है? ज्ञान का दुरुपयोग ही है, आप मानो ना मानो, लेकिन दुरुपयोग है। कब से आहार नहीं दिए बोलो? आहार कब से नहीं दिया? दिन हो गए। आहार कब से नहीं किया? दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। आहार कब से नहीं किया? किया कब से नहीं? अभी तो करके आए हैं, वो रोज करते हो, लेकिन जो क्रियाएं रोज नहीं करना चाहिए वो आप प्रतिदिन करते हो, और जो रोज करना चाहिए वो एक भी दिन नहीं करते हो। तो ज्ञान का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? लेकिन कुछ त्यागी व्रति ऐसे हैं, अशोक भैया जैसे, अब बुरा नहीं मानना, लेकिन मंदिर में आकर के आप हीन भावनाओं को प्रकट मत करो कि हमसे पहले कोई इस मंदिर में नहीं आता, हम ही सबसे पहले अभिषेक करने वाले हैं। इस अहंकार को भी दूर रखना, अशोक भैया भोजनशाला, कि हम नहीं होते तो भोजनशाला नहीं चलती, ये मान तो नहीं आता। हाँ आना भी नहीं चाहिए, क्यों? अतिथि की सेवा का मौका मिला है, हम सेवा करेंगे। ठीक है, समय आपका हो गया। तो ऐसी ज्ञान का मद हमारे बीच में ना आ जाए जिससे हमारा ज्ञान ही नष्ट हो जाए। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है, जो मद से युक्त है, अहंकार से युक्त है। उस अज्ञान को हटाओ तब जाकर ज्ञान श्रेष्ठ होगा, जबकि ज्ञान सबके पास है कि नहीं? जो भी सोचते हो ज्ञान से ही सोचते हो, फिर क्यों ना अच्छा सोचा जाए? सोचो सोनू भाई, सुबह से गुरु के साथ चलते हो, आनंद आता कि नहीं? आता ना, लेकिन अभी ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो रहा। काश तुम पिछी कमंडल के साथ चलते तो कितना अच्छा लगता। हाँ मोहित अभी भी नहीं मान रहा है, मोहित मान जाओ। कर्म कैसे करें ये तो पुस्तक पढ़ चुके हो, लेकिन अब कर्म कैसा करना है उसको तो और समझ लो। हाँ कि जिससे दुख ना हो वो कर्म करना है माँ, लेकिन नहीं समझते, नहीं समझते कौन सा कर्म करना है। समझते ना? नहीं समझते? समझते हो, करते नहीं हो। समझ में सब आता है कि ये काम नहीं करना है, करते वही हो जिसे नहीं करना है, केवल क्यों? ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। ज्ञान जहां जा रहा है वहां वहां हमेशा उसको वहीं ले जाते हो जहां जाना नहीं चाहिए। बोलो मोहित, होता कि नहीं ऐसा?
अभी सुबह सुबह घर से आए हो तो आए किससे हो? गाड़ी से नहीं आए, अपने ज्ञान से ही आए हो। गाड़ी तो सहकारी कारण है, आए ज्ञान से ही हो। इस समय आप खेलने जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। कहीं होटल में बैठ सकते थे कि नहीं? लेकिन ज्ञान ने क्या किया? जो किया ज्ञान ने ही किया, तो ज्ञान यहां लेकर आ गया प्रवचन सभा में। लेकिन वही ज्ञान यदि दुरुपयोग करोगे तो आप सिनेमा हॉल में भी मिलते, या मंत्रालय में मिलते, या किसी वैश्यालय में मिलते। ज्ञान सबका बराबर है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं शेरू भैया? अब उसका उपयोग है। कुछ दिन पहले आप अभिषेक नहीं करते थे, आज प्रतिदिन अभिषेक करने आ रहे हो। ज्ञान वही था उस समय भी, लेकिन आज ज्ञान में अंतर आ चुका है। समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये क्रिया करना चाहिए, कि हमारा जो उपयोग आज तक रहा, ज्ञान का उपयोग जो भी रहा, वो गलत कार्यों में रहा। हम प्रमाद कर गए कि प्रभु से हम दूर रहे, जिनसे हमें सब कुछ मिल रहा था। इसलिए अपने ज्ञान को अब संभालो। जितना समय था अब निकल चुका। आज अंतिम देशना है हमारी, कल यहां से विदाई होगी। तो जी ज्ञान की विदाई नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो रहेगा ही। ठीक है, आप सभी अपने ज्ञान को संभाल कर रखें, क्योंकि ज्ञान संभल गया तो सारा जगत आपकी मुट्ठी में होगा। बस ज्ञान को ही संभालना है। किसको शेरू भाई? ज्ञान को। तो जो ज्ञान अभी कितने दिनों से आ रहा है यहाँ पर प्रभु के चरणों में, वो हमारे जाने के बाद चला जाएगा। हाँ, जाना नहीं चाहिए। कहाँ आना चाहिए? प्रभु के चरणों में ही आना चाहिए, वही ज्ञान। और वही ज्ञान तुम्हें निश्चित रूप से केवल ज्ञान पकड़ कर आएगा। इसलिए ज्ञान की महिमा को समझो, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं आता हूं। नहीं, ऐसी आ गया मैं तो बकरी बनना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी अपने ज्ञान को संभालें, और ज्ञान से ही अपने सम्यक ज्ञान को धारण करें, और उसके पश्चात केवल ज्ञान की आपकी भूमिका बनेगी, और आप हमेशा के लिए उस ज्ञान से युक्त हो जाओगे जहाँ केवल आत्मा ही आत्मा है, ज्ञान ही ज्ञान है। आप सभी अपने ज्ञान को निरंतर वृद्धिगत करें, यही भावना के साथ बढ़िए। भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।